पक्की बड़ी खबर सिवान से, जहां अपराधियों के मनोबल भारी है। आपको बता दें, दो युवकों की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया है। मामला है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कररुआ गांव के समीप सड़क किनारे गड्ढे में दो युवकों के शव मिलने से सुबह सुबह इलाके में कोहराम मच गया। मृतकों की पहचान सिवान शहर के पुरानी किला निवासी साहिल अली और सबल अली के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि घंटों शव की शिनाख्त में लग गए। आपको बता दें कि आधार कार्ड से एक युवक की पहचान हो पाई, वहीं अन्य युवक की भी पहचान की गई। इस मौके पर समाज सेवी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के सहयोग से भेजा। पुलिस हत्या और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आपको बता दें कि आए दिन सिवान में हत्या होना आम बात हो गया है और रोज नई नई वारदातें को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में यह बड़ी घटना सिवान शहर में घटी है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दो युवक कल सौ मिला है और अभी मुफस्सिल थाना में सौ रखा गया है, पहचान पर लगी। बाकी एक व्यक्ति का नाम है साहिल आजम, पिता का नाम है शकील स्पष्ट नहीं करेंगे। मेरा लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता है, कौन की अपहरण हुआ है कि नहीं, भाई स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही पर्जन आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर।